हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आपको भी वन प्लस नोट 2 में फास्ट चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है कि फास्ट चार्जिंग आपके जो डिवाइस में हो नहीं रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। आज की वीडियो में मैं आपका इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा, तो आपको कुछ सिंपल से स्टेप उनको फॉलो करना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आपको एक बार चेक करने लेना है कि आपने जो डाटा केबल है वो अच्छे से एडजस्ट किया है कि नहीं, इंसर्ट किया है कि नहीं आपने जो अडेप्टर में, क्योंकि तभी भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। मेरे भी एक सुबह सुबह मैंने एक बार फ़ोन को चार्ज लगाया था तो अच्छे से कनेक्ट नहीं था, तो भी फास्ट चार्जिंग नहीं हो रही थी। तो एक बार इसको चेक कर लेना है। और आपने जो भी थर्ड पार्टी ऐप है अपने जो डिवाइस में इंस्टॉल किए हैं, जो बैटरी इंक्रीज़ करते हैं, बैटरी बैकअप लेते हैं, उनको डिलीट कर दीजिएगा, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर आपकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है फास्ट तरीके से, तो एक बार अपने डिवाइस को रिबूट जरूर करें। रिबूट करने से आप एक बार चेक कीजिएगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रिबूट करने से कुछ भी ग्लिच होता है वो ठीक हो जाता है मैक्सिमम चांस। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको एक बार अपना फैक्ट्री रीसेट कर देना है डिवाइस। अगर आपके फैक्ट्री रीसेट करने से भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है तो आपकी जो हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हार्डवेयर में प्रॉब्लम है तो आपको केयर सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहाँ भी वो चेक करेंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको अपने नियरेस्ट वन प्लस के केयर सेंटर पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाओगे वो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर कर देंगे। मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने ये सारे मेथड अप्लाई करे थे और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो मैं सबसे इफेक्टिव एफिशिएंट मेथड है वो है अपने डिवाइस को रीबूट जरूर करें, क्योंकि रीबूट से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू गाइस।